आज हम बनाने जा रहे हैं वेज चंपारण, जो कि बिहार में बहुत ही ट्रेडिशनल और फेमस रेसिपी है। ये यूजुअली चिकन या मटन के साथ बनती है, पर आज हम इसे कटहल के साथ बनाएंगे। इसे एक कंप्लीट बिहारी थाली बनाने के लिए इसके साथ हम सर्व करेंगे मिलोना रोटी और धनिया मिर्च। इंटरनेट पर ये डिश काफ़ी वायरल हो रही है, मैंने सोचा आज ट्राई कर लें, और यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब और ईजी डिश है ये। चंपारण डिश बनाने की विधि में आपको बहुत सारे प्याज, लहसुन, सूखे मसाले और सरसों के तेल में आपके प्रोटीन को मैरिनेट करना होता है। हम जो यूजुअली सब्जियां बनाते हैं, इससे काफ़ी डिफरेंट लगती है ये सब्ज़ी। चलिए, यहाँ मेरी तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले 200 ml सरसों का तेल हमें गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो स्लाइस किया प्याज। इसमें डाले 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यह है मीट मसाला, आप चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, धनिया जीरा पाउडर, यह है स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज 2 से 3, और लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच दही। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें, सब तरफ से मिक्स करें। ध्यान रखें कि हमें इसे सील पैक करके कुक करना है। इसमें डालें कटहल, इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको इसे चिकन या मटन के साथ बनाना है तो आपको ये सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनती है ये डिश और आसानी से बन जाती है। यहाँ पर सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब आप इस तरह का एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें सीजनिंग कर लें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल स्किप ना करें। अब इसमें डालें सरसों का तेल, अभी हम इसमें से 1/3 डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले, सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, 2 बड़े मसाला इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसे आप इसी तरह से नीचे रहने दें एज अ बेस। इसके ऊपर हम अपना ये मिक्सचर डाल लेंगे। इसे हमें अच्छे से टाइटली पैक करना है सब जगह से, क्योंकि हम इसे सील पैक करने वाले हैं। ध्यान रहे, आप अच्छे से अपना ये मिक्सचर सब तरफ से इवनली मिक्स कर लें। अब इसका जो सबसे डिफरेंट तरीका है, इसको बिहार स्पेशल बनाता है, वो है ये अखा लहसुन। इस तरह से मैं यहाँ पर इसके अंदर 2-3 लहसुन डालूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा लहसुन भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इस पर हम ये बचा हुआ सरसों का सारा तेल डाल देंगे। इसे हम आटे से सील कर लेंगे। सब तरफ से आप आटे की लोई इस तरह से लगा लें और इसे ढक लें। इसमें जो ये लहसुन डला है, ये कुक होने पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप अपनी मर्ज़ी अनुसार कम ज़्यादा लहसुन डाल सकते हैं। चलिए, अब ये सील हो चुका है। इसे हम एकदम स्लो गैस पर रख देंगे। 1 घंटे तक करीब आपको इसे पकाना है, बहुत ही धीमी आँच पर। चलिए, अब मिलोना रोटी बनाने के लिए 1 कप गेहूँ का आटा, 1 कप बेसन का आटा, अजवाइन, नमक और कलौंजी। यहाँ पे लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच घी। इसे आप अच्छे से इस तरह से क्रम्बल कर लें। मिलोना रोटी में घी ज़्यादा डलता है, तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ये रोटी आप यूजुअली भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, क्योंकि इसमें बेसन का आटा और घी डला है, तो ये प्रोटीन कंटेंट में बहुत हाई है और पचने में बहुत ही आसान होती है, बहुत ही हल्की होती है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसका। इस तरह से हाथों में मुट्ठी बन जाने पर आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। ध्यान रहे, ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि इसे हमें सख्त आटा लगाना है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि रोज़ सोचते हैं कि आज हम कुछ अलग बनाएंगे और हर रात को खिचड़ी ही बनती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है। इस तकलीफ़ से बचने के लिए मील प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर सख्त आटा लग चुका है। अब धनिया मिर्च बनाने के लिए हम तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिर्च को चीरा लगाकर फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब हम धनिया को भी इसी तरह से ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये बिहार की एक और स्पेशलिटी है। मुंबई में स्टॉल्स पर सिर्फ फ्राई की हुई मिर्च मिलती है, पर ये वाली डिश ट्राई करके
मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरी नेक्स्ट फेवरेट डिश है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। इसमें नमक मिलाकर इसे मिक्स कर कर रख दीजिए। अब हम रोटी को बेल लेंगे। ज़्यादा पतली रोटी हमें नहीं बेलनी है, इसे सिर्फ आपको घी लगाकर बेलना है, इसमें आटा ना लगाएं। इस तरह से बिल्कुल छोटी सी एक रोटी बना लें, ज़्यादा मोटी नहीं है, मीडियम साइज़ है इसका। अब इसे हम तवे पर सेक लेंगे, घी लगाते हुए इसे आप सेकें। बिल्कुल धीमी होनी चाहिए आपकी आंच ताकि ये अच्छे से सिक जाए। कैसा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। यहाँ पे हमारा चंपारण भी बिल्कुल रेडी है, लाजवाब। इसे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या बढ़िया कलर है। इसके साथ बहुत सारी ढेरों रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो इनके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। बहुत ही ध्यान से मैं एक एक रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। हेल्दी और टेस्टी खाना बनाएं, आप भी खाएं, सबको खिलाएं।